हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आइए बात करते हैं निफ्टी कल कहाँ कामकाज कर सकता है और हम लोगों ने क्या आज के लिए डिस्कस किया था। तो गाइस, क्लियरली ये वाला पॉइंट था, मैंने क्लियर कहा था कि इसके ऊपर हम बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। गैप अप भी अगर खुलता है, सस्टेन करेगा, तो हम बाइंग की पोजीशन बनाएंगे, और इसके नीचे आता है तो सेल की पोजीशन। मार्केट अगर आपका ऊपर के लेवल से आया है गाइस, देखो ये इतना ऊपर से आया है तो 100 पॉइंट 150 पॉइंट की ही इसकी रेंज रहती है। नीचे पे बायर बैठे हैं, जब बुलिश ट्रेंड रहता है तो नीचे के साइड में बाय ऑन डिप ही मार्केट रहता है। तो यहाँ पे अगर किसी ने ट्रैप हुए स्टॉप लॉस, फिर हमने करीबन 19,350 के आसपास का शायद एसएल रखा था, या फिर शॉर्ट की पोजीशन ऊपर के लेवल पे मेरी थी नहीं, तो वो बाय की पोजीशन थी। यहां से अगर किसी ने बाय किया हो, डेफिनेटली बढ़िया प्रॉफिट बना होगा। और ऊपर की साइड में टारगेट करीबन 445 तक के थे, और मार्केट ने आपको करीबन दिए 434 के आसपास के। तो गाइस देखो, मार्केट में स्टार्टिंग की 15 मिनट, 20-30 मिनट, देखो पूरा 6 घंटे रहता है। 6 घंटे में अगर आपके लेवल आते हैं कि आपको क्या करना है, अपन जो डिस्कस करके जा रहे हैं उसके अंदर क्या करना है, वहां पे उसकी पोजिशन बैठो, ठीक है। वहां से अगर आपका 280 के आसपास का एसएल था, मार्केट ने करीबन ये लो है करीबन 300 का, ठीक है, 310 के ऊपर भी शायद हमारी बाइंग की पोजीशन थी। फिर निफ्टी में क्या डिस्कस करके गए थे गाइस, ये वाला पॉइंट था। फर्स्ट स्टार्टिंग था हमारा 20,310 के ऊपर, हम बाइंग की पोजीशन ही देखेंगे। मार्केट चाहे कहीं खुलो, इसको सस्टेन करता है ठीक है तो भी ठीक है, नहीं करता तो भी हमारी सेलिंग की पोजीशन ओनली यहीं तक थी। मार्केट फिर निफ्टी ने आपको यहां तक दिया, यहां तक अगर आपको दे दिया तो आप बाइंग की पोजीशन में बैठ जाओ दोबारा। 20,310 हमारा था कि उसके ऊपर 15 मिनट अगर कैंडल क्लोज होगा तो फिर हम बाइंग की पोजीशन में बैठेंगे। ऊपर के खैर हालांकि टारगेट नहीं दिए, लेकिन फर्स्ट टारगेट आपका कहाँ होना चाहिए, जो प्रीवियस हाई है। प्रीवियस हाई कहाँ था, ये रहा। साइकोलॉजी है मार्केट में किस तरह से होता है, ये चीजें देखो, क्योंकि ये आपका ये सपोर्ट का काम करेगा। ये एक सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस से ऊपर में ये वाला एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, नीचे आया, नीचे आके फिर अगेन यहाँ पे इस पॉइंट को, ये रेजिस्टेंस को कन्वर्ट करके सपोर्ट में किया, सपोर्ट से फिर यहाँ सपोर्ट लेके एक शानदार आपको अप मूवमेंट दे दी। फिर यहाँ पे अगेन एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, और मार्केट एक नेगेटिव इनडिसीजन पॉइंट कैंडल्स दोनों के अंदर, तीनों इंडेक्स में अगर आप वन डे का चार्ट देखोगे, जो कि मेरे को एक्सपेक्ट कल की थी आज दी है। तो ये देखो, ये हैमर बना दिए यहाँ पे, और इसके अंदर फिर निफ्टी में अगर आप बात करोगे तो फिर निफ्टी में एक इन्वर्टेड हैमर बना दी। तो बात करते हैं गाइस, निफ्टी में हम कहाँ किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो देखो, ये अगर आप 330 का जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से भी अगर आप इसको करो, तो इसकी ओपनिंग, क्लोजिंग और नीचे का लेवल तीनों को मार्क कर लो, और वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के काम करेंगे। तो गाइस, नीचे का जो रेजिस्टेंस है करीबन 310 का है, तो 19,310 का जो लो है ठीक है, ऊपर का हाई हो गया करीबन 19,400, चालीस मान लो आप ठीक है ये वाला, और बीच का जो लो पॉइंट करीबन ये वाला, आई थिंक सो ये ही आएगा करीबन 19,358, 19,358। ये तीन लेवल आप मार्क कर लो, ये तो मार्क करो आप रेजिस्टेंस में, ये मार्क करो सपोर्ट में, ये अगेन अगर इसके ऊपर है तो ये सपोर्ट में, और ये अगर इसके इसके नीचे अगर इंडेक्स चलने चल जाए तो ये फिर एक आपका इसका रेजिस्टेंस का काम करने शुरू कर देगा, ठीक है। तो कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, तो मैं वही चीज समझा रहा हूँ कि 19,400 के ऊपर अपन बुलिश रहेंगे तो फिर रहना, अगर कोई ट्रेड लेता लेने के बैठता डेफिनेटली बढ़िया प्रॉफिट भी हुआ था ऊपर के लेवल के टारगेट में। अब 45 के आसपास बता के गया था, 33 यानी कि 10 पॉइंट के आसपास से यानी कि रिजेक्शन है अपना मार्केट में। तो कल किस तरह से अपन इसमें निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वनडे के चार्ट में अगर इसको देखते हैं तो एक ऊपर में डोजी है, और सेलिंग की साइड की हम ओनली और ओनली हाल फिलहाल के लिए भी अगर 19,285 के नीचे ही कोई सेलिंग करेंगे, अदरवाइज कोई सेलिंग नहीं करनी है। 19,285 के नीचे कोई सेलिंग की पोजीशन देख सकते हो, और वो भी तब है, या फिर डायरेक्टली अगर 19,385 का लेवल टूटता है तो सेलिंग की साइड में बैठेंगे, अदरवाइज ये होल्ड होता है।
वहां पे मतलब नीचे आके करीबन ये इस तरह से लोअर लो और हायर हाई, ये इस तरह का पैटर्न बनाना शुरू कर दे तो हम एक बाय की पोजीशन, मतलब दो, अगर ये दो बना दे और थोड़े हाई हो तो यहाँ पे हम एक बाय की पोजीशन ही देखेंगे 18,300, 19,285 के पास में यहाँ पे हमारी बाय की पोजीशन ही रहेगी। और स्टॉप लॉस फिर रहेगा आपका 19,265 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में फर्स्ट टारगेट आपके करीबन 19,358 के रहेंगे, 19,358 के आसपास का फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट आपका 19,440 का। अब गाइस देखो, इनडिसीजन कैंडल हैमर बनी है तो ये एक, वैसे देखा जाए बुलिश कैंडल है, नेगेटिव नहीं होती है, बुलिश कैंडल होती है, लेकिन इसके बाद की जो कैंडल है वो कंफर्मेशन कैंडल होती है, वो यानी कि आपको डिसीजन देगी कि कहाँ जाना है क्या करना है। अगर इस कैंडल के बाद में नेक्स्ट कैंडल इस लो को ब्रेक करते हुए बनती है तो फिर हम समझ लेना कि ये भाई एक लो लग हाई लगना था, हाई लग गया, फिर एक मार्केट में ऐसा नहीं कि भाई एक और एक कैंडल आपको और मिल जाएगी, मतलब 1:3 का टारगेट अगर ऊपर के लेवल से सेलिंग अगर किसी ने की है तो वो सेलिंग प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो वो एक हेल्दी करेक्शन भी है। हेल्दी करेक्शन क्यों? क्योंकि मैंने कंटिन्यूस कल भी मैं कह रहा हूँ कि भाई 3 दिन से 4 दिन से जा रहा है तो एक रिट्रेस दे, देन ऊपर निकलता है तो और भी शानदार इसके अंदर तेजी आप देख सकते हैं। तो वो देखना पड़ेगा किस तरह की डेली बेसिस पे कैंडल्स बनती है, तो अपन उसी हिसाब से, तो 19,285 के नीचे कहाँ तक, नेक्स्ट लो के पास में करीबन 19,240 और 19,170, 19,240 और 19,170, मतलब 100 पॉइंट के आसपास का हम ऊपर के लेवल से, ये जो लेवल आपने डिसाइड किया है यहाँ से हम 100 पॉइंट या फिर 70 पॉइंट के आसपास नीचे की साइड में सेलिंग देख सकते हैं इसके अंदर। अब बाइंग की पोजीशन हमारी सेम रहेगी, ये 19,200 के आसपास अगर बाय ऑन डिप्स में मार्केट मिलता है या गैप डाउन मिलता है तो हम यहाँ पे फर्स्ट प्राइस एक्शन देख के एक बाय की पोजीशन में बैठ सकते हैं, ऊपर के टारगेट हमारे यहाँ तक के रहेंगे अगेन, और मार्केट अगर ऊपर ही खुलता है, नीचे 19,285 के पास में नहीं आता और ऊपर खुलता है तो भी हम बाइंग की साइड देखेंगे। तो अब ये डोजी डोजी के बाद थोड़ी हैमर के बाद में अगर ये कैंडल बुलिश बनती है तो ये वैसे भी बुलिश है और ये और एटलीस्ट आपके 3 कैंडल के आसपास या 2 कैंडल के आसपास अगेन आपके निफ्टी दे हाई लगा सकता है, तो बाइंग की पोजीशन यहाँ पे देखेंगे 19,440 के ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोज होगी तो बाइंग की पोजीशन देखेंगे, और गैप अप अगर खुलता है यहाँ सस्टेन करता है होल्ड करता है तो भी हम बाइंग की पोजीशन देख सकते हैं। सेलिंग अगर करो तो ज्यादा से ज्यादा आप 19,358 तक कर सकते हो ऊपर के लेवल से, यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेके, अगर गैप अप खुला तो गैप अप खुलने के बाद में नीचे आता है लेकिन थोड़ा सा ही आके फिर एक ऊपर की साइड में सस्टेन कर लेता है। ठीक है, ट्रेंड लाइन साइकोलॉजी क्या होती है कि भाई अब तो गिरेगा, सबके ये दिमाग में आ रही है अब तो गिरेगा, क्यों गिरेगा भाई, क्या हो गया ऐसा। ठीक है, अब एक ये पर डे की ट्रेंड लाइन बना ली, ये लो साहब ये एक ट्रेंड लाइन बना ली, 5 मिनट 10 मिनट जो सेलिंग चल रही है सेलिंग के अंदर कंटिन्यू बैठे हैं जिन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की, ये ट्रेंड लाइन हुई, ठीक है ये लो ये आपका ऐसा हो गया, यहाँ पे बाइंग की पोजिशन में बैठ जाओ, धीरे 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 मार्केट आपको ओवरऑल बढ़िया रिटर्न दे देगा। तो साइकोलॉजी बनाओ, लाइंस बनाओ, लाइंस ट्रेंड लाइन जो अपने कोर्सेज हैं वो देखो, आपको वास्तव में इंडिपेंडेंस ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता, किसी के भी पैसे दे के सीखने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सारे के सारे वीडियोस फ्री कर दिए हैं, प्लेलिस्ट आपको सबको ध्यान है वहां पे जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं, और भी अगर किसी के कोई सवाल हो तो लाइक सब्सक्राइब करके मेरे को टेलीग्राम में पूछ सकते हैं प्लस व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। तो गाइज थैंक यू।